यहाँ पर ये कपड़े थे ना, तो मुझे कपड़े डाल रही हूँ। बाहर बालकनी है, उसमें मैं कपड़ा फैलाती हूँ। यहाँ मैं दो दिन से ब्लॉग डाल भी नहीं रही और मेरा मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई वीडियो देखता नहीं और दो दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए हम ब्लॉग बनाकर डाल नहीं रहे हैं। यहाँ पर मेरा बेटा एक्सरसाइज आपको करता बता रहा, आप लोग भी कीजिए। जय साई राम दोस्तों, प्रियंका गुप्ता के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। और तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं किचन में, फिर आपके साथ मैं अपना रूटीन शेयर करेंगे। और चलो फिर हम पूजा करते हैं और इसके बाद हम मिलते हैं। दूध आ गया था, सो अब मैंने गैस पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध गर्म होता है और तब तक मैं पूजा भी कर लेती हूँ। जी हमारे बच्चे साहब अक्षत जी किचन में आते हैं, अपने स्टूल रखते हैं और खड़े हो जाते हैं। ये किचन का सारा काम ये करेंगे। आज मैं खाना अक्षत बनाएगा मेरा। यहाँ पर मेरा दूध भी गर्म हो चुका है। चलो मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हम आपको बैंगन आलू की सब्जी और चावल बनाएंगे। और बैंगन के साथ चावल खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। आज हम बैंगन आलू और चावल बनाएंगे। चलो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर मैंने बैंगन को काट लिया है और उसको धो लिया है। यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, मिर्च, अदरक और धनिया मैंने ये सब काट कर रख लिया है। और यहाँ पर एक बॉयल आलू है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और तेल गर्म हो जाए तो उसमें फिर यहाँ पर तेल गरम हो गया। एक खड़ी लाल मिर्च डालना, आप तेज पत्ता भी डाल सकते हो। फिर जीरा डालना है, फिर सौंफ मैंने डाल दी है, फिर अदरक, मेथी, हींग, अजवाइन, क्योंकि बैंगन थोड़ी बाद ही होती है इसलिए मैंने अजवाइन और मेथी का उपयोग किया है। फिर आपको प्याज डाल लेना है, ये सब डालकर प्याज को गर्म कर लेना। आप सौंप डालो ना बैंगन में, और इस बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी, खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। आप नहीं डालना चाहो, जो चीज़ नहीं डालो तो चलता है। मैंने सब कुछ डाला है। धनिया मिर्च डाल देना है, मसाला थोड़ा हो जाए तो फिर उसमें हम बैंगन डाल देंगे। यहाँ पर आपको मिक्स कर लेना है, इस तरह ढककर थोड़ा पका लें। बैंगन हो जाए तो उसमें आपको टमाटर डाल दें, टमाटर डालने के बाद थोड़ा ढककर उसको पका लें। फिर इस तरह से आपको मिला देना है और बैंगन और टमाटर को तेल में ही आपको पका लेना है। ये वाली सब्जी इस तरह से बनाओगे खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है और चावल के साथ खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। फिर इसमें आपको आलू डाल देना है, पहले बॉईल किए हुए। आप कच्चे आलू को भी तेल में फ्राई करके डाल सकते हो। फिर मिला देना है, फिर आपको मसाले डालना है स्वाद अनुसार, नमक, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च मसाला, मैगी मसाला डाल देना है।
आपको अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेना है। आप इस तरह से सब्जी खाना चाहते हो इस तरह से भी बना इस तरह भी खा सकते हो। उसमें हरा धनिया मिला देना है। मैं थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। फिर मसाला डालने के बाद थोड़ा भुन जाए तो उसमें अपने जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देना है। फिर अच्छी तरह से मिक्स और इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है और गरम मसाला मिला देना है। फिर बाद में हरा धनिया मिला देना है। ये बैगन आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया मिला देती हूँ। ये बनकर तैयार है। ये है और धो लिया उसको। बस पानी डालना है। पानी डालकर इसको हम सीटी लगा लेंगे। यहाँ पर मेरी सीटी भी आ गई है और यहाँ पर मेरी सीटी खुल गई है और थोड़ा चला देने से आपके चावल बहुत अच्छे रहते हैं और देखो खिले खिले हो जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको सर्व कर भी बता को बनाना बता रहे हैं। पुदीना धनिया की चटनी ये खाने बड़ी स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पर मैंने धनिया नींबू पुदीना अदरक मिर्च ये सब मैंने सामग्री ले लेना। उसमें आपको ढेर सारा पुदीना धनिया अदरक मिर्च और नींबू का जूस और स्वाद अनुसार नमक इसमें थोड़ा पानी डाल देना है और इसको ढक्कन लगा लेना है और फिर इसको ग्राइंडर जार में चला देना है। चटनी बनकर तैयार है। पुदीना धनिया अदरक मिर्च की चटनी बनकर तैयार है। खाने बड़ी स्वादिष्ट लगती है। पूरी परांठी या किसी के साथ आप खा सकते हो। यहाँ पर मैंने बैगन आलू की सब्जी और चावल पुदीना की चटनी ये सब बनाया है और बैगन आलू और चावल खाने का बहुत मन कर रहा था इसलिए मैंने ये सब बनाया है। आइए आप लोग भी आकर खा लीजिए। मेरा सारा काम हो चुका है। खाना पीना हो गया है और बर्तन वगैरह किचन वगैरह साफ़ हो चुकी है। बस जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। चलो अब वीडियो का एंड करते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। बाय बाय। अब वीडियो का एंड होता है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्रियंका गुप्ता किचन को सब्सक्राइब कर लेना और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा देना। बेल आइकन बटन को ज़रूर बजा देना।